हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे अप्रेंटिसशिप मेला के ऊपर, ठीक है। और ये वीडियो सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसका रेलवे अप्रेंटिस में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा और ये लगातार वो प्रयासरत रहते हैं कि अगर उनका कम परसेंटेज बन रहा तो अगर कहीं पर रेलवे आ रही है अप्रेंटिसशिप मेला में, तो अप्रेंटिसशिप मेला के माध्यम से वो अपना सिलेक्शन के लिए हमेशा वो बेताबी उनमें रहता है, ठीक है। तो हम आपको आज की इस वीडियो से ये आपको मैसेज देंगे कि जब भी आप रेलवे से अप्रेंटिस के लिए अप्रेंटिसशिप मेला में जा रहे हैं, रेलवे आपको कहीं से पता चला या फिर आपको नैप्स का जो यहाँ पे इसका ऑफिशियल साइट है, अप्रेंटिसशिप मेला का जो ऑफिशियल साइट है, वहाँ से अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला कि रेलवे यहाँ पे आने वाली है, इस पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट इस स्टेट में आने वाली है, या आपको फ्रेंड सर्किल से पता चला, आपके दोस्त यार से पता चला, फैमिली से पता चला कि रेलवे यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट करने वाली है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगस्त मंथ का जो आपका मेला लगने वाला था, जो आपका 14 अगस्त को कंडक्ट किया गया ऑल ओवर इंडिया में, 14 अगस्त को आपका अप्रेंटिसशिप मेला लगा जिसमें डिफरेंट डिफरेंट आई थी और यहां पे रेलवे डिपार्टमेंट का भी अपडेट किया गया था पोर्टल पे, ठीक है, रेलवे डिपार्टमेंट का भी अपडेट किया गया था पोर्टल पे। बाकी हम वीडियो के आगे पूरा आपको डिटेल बताएंगे कि कौन सा स्टेट था और कौन सा रेलवे का डिपार्टमेंट वहां पे आने वाला था, ठीक है। तो मैं सभी छात्रों को बोलूंगा कि वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि ऐसी जो गलती पर्टिकुलर इन सभी छात्र किए हैं वो गलती आपसे ना हो और आपको भी यहाँ पे मायूसी का सामना ना करना पड़े। इसीलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे का पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम का लिंक दिया गया, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, छोटे मोटे अपडेट आपको निरंतर वहाँ पे देखने को मिलते रहते हैं। अभी आपका रिसेंटली एनडब्ल्यूआर जयपुर का डीवी के रिगार्डिंग ई कॉल लेटर जारी हो गया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो profitstudy.in ऑफिशियल साइट पर चले जाइएगा। एडमिट कार्ड का कॉलम में आप जाके अपना ई कॉल लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा जिसका भी सिलेक्शन किया गया है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं अभी हम अप्रेंटिसशिप मेला के ऑफिशियल साइट पे हैं और आज ही के डेट में देखिए अप्रेंटिसशिप मेला ऑन 14 अगस्त 2023। इसीलिए हम आपको इसका वीडियो पहले नहीं प्रोवाइड कर पाए क्योंकि आप सभी को जानते हैं कि अप्रेंटिसशिप मेला के रिगार्डिंग सबसे पहले हम आपको अपडेट देते थे और अभी तक देते आए हैं। हालांकि क्या हुआ ना कि ये जो आपका 14 अगस्त 2023 को अप्रेंटिसशिप मेला लगने वाला था, इसमें रेलवे एक जगह आ रही थी ये तो कन्फर्म था, ठीक है, पर रेलवे आ रही थी या फिर नहीं आ रही थी उसमें मुझे डाउट था, इसीलिए हमने आपको यहाँ पर इन्फॉर्म नहीं कर पाया कि आपको जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। और फाइनली यहां पे ऐसा हुआ जिसका उम्मीद नहीं था वही हुआ, ठीक है। बात करते हैं कि जो आपका 14 अगस्त 2023 को अप्रेंटिसशिप मेला लगा, आप यहां पे स्क्रॉल करके नीचे बढ़िएगा तो ऑल ओवर इंडिया का मैप आपके सामने आ गया जिसमें आपका पंजाब डिस्ट्रिक्ट पंजाब स्टेट के अंतर्गत जब आप इस पे क्लिक करिएगा तो इसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट में आपका अप्रेंटिसशिप मेला कंडक्ट हो रहा था वो सारा आपका डिस्ट्रिक्ट आपके सामने आ जाएगा, जिसमें से आपका एक डिस्ट्रिक्ट है 5 नंबर पे कपूरथला, ठीक है। अब इस पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने जितने भी अप्रेंटिसशिप मेला में पार्टिसिपेट कंपनियां की अभी जो आपका राइट जो आपका इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने यहां पे आ गया। देखिए ये सारे कंपनियां जो है अप्रेंटिसशिप मेला में पार्टिसिपेट की, ठीक है, पर कल के डेट से आज ही कल का क्या आज ही सुबह आपका 12 बजे तक यहाँ पे ये अपडेट दिखा रहा था कि RCF रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भी आपका अप्रेंटिसशिप मेला में पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। और ये जो अपडेट है आपको लगभग 7-8 तारीख से ही साइट पे अपडेट कर दिया था कि RCF कपूरथला भी यहाँ पे अप्रेंटिसशिप मेला के लिए आ रही है। आप सभी को अगर नहीं पता होगा तो हम आपको बता देते हैं, प्रेजेंट टाइम में अगर 22-23 सेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 550 पोस्ट का ऑलरेडी यहाँ पे अप्रेंटिस जारी हो गया, अप्रेंटिस का वैकेंसी जारी हो गया जिसका फर्स्ट डीवी भी कंडक्ट हो गया और फर्स्ट डीवी का यहाँ पे ज्वाइनिंग भी सभी छात्र कंप्लीट कर लिए हैं, यहाँ तक कि इसका सेकेंड डीवी का भी मेरिट आ गया जिसमें आपका 2 से लेकर 4 तारीख तक इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल रखा गया था। अब बहुत जल्द इसका सेकेंड का भी ज्वाइनिंग आने वाला है, फिर भी इसके ऑफिशियल साइट पर यह अपडेट दिया गया। हालांकि अभी वो अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से हटा दिया गया, वो फेक अपडेट था, ठीक है, वो अपडेट जो था उसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी, 1% तक की भी वो रियल अपडेट नहीं था। और जो भी कैंडिडेट इस अपडेट को यहां के अपडेट को देखकर वो सोचे कि आरसीएफ कपूरथला आ रहा है तो चलो हमारा परसेंटेज कम है, हमारा वहां पे जाने से आराम से 100% सिलेक्शन हो जाएगा, पर जब वो छात्र वहां पे पहुंचे तो उन्हें ऐसा कुछ भी जानकारी ही नहीं मिली कि वहां पे रेलवे आ रही है, उन्हें कुछ भनक ही नहीं मिला, कुछ पता ही नहीं चला कि वहां रेलवे आई है, सिर्फ प्राइवेट कंपनी आई थी, रेलवे नहीं आई थी। इसीलिए मैं आप सभी से विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि अगर आप अप्रेंटिसशिप मेला में जाना चाहते हो और ये चाहते हो कि अगर रेलवे आ रही है तो ही जाए, तो एक बार कम से कम जो आप इंफॉर्मेशन जो आपको मिला है उसे कन्फर्म कर लें, और एक बार नहीं 2 बार 3 बार कन्फर्म करिएगा कि रेलवे आ रही है या फिर नहीं आ रही है। बाकी हमारे तक जो जानकारी आता है हम आपको प्रोवाइड कर ही देते हैं कि रेलवे आ रही है या फिर नहीं आ रही है, क्योंकि आपका गोरखपुर में जो हमने बताया था कि आपको गोरखपुर में रेलवे अप्रेंटिस आ रही, वहां सच में आपने रेलवे जो है अप्रेंटिसशिप के सिलेक्शन के लिए आई थी, पर
जो RCF का अपडेट था ना वो पूरा का पूरा यहाँ पे फेक था, इसमें 1% भी कोई भी रियलिटी नहीं था, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पे गए थे, बहुत सारे कैंडिडेट, ऐसा नहीं कि कोई नहीं गया था, बहुत सारे कैंडिडेट गए थे RCF का, जो भी यहाँ पे ट्रेड मेंशन था, फिटर था, वेल्डर था, मैकेनिक था, ये कुछ दो चार ट्रेड मेंशन थे, तो पर्टिकुलर ट्रेड के कुछ कैंडिडेट वहाँ पे गए थे, ठीक है। पर गए तो उन्हें कुछ ऐसा मिला ही नहीं, रेलवे का वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था, सिर्फ आपका जो यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ थी वही आपका अप्रेंटिसशिप मेला के लिए आई थी। तो ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी था, आप सभी को देना, ताकि आगामी जब भी आप रेलवे के चक्कर में आप जाओ अप्रेंटिसशिप मेला में, तो ये चीज जो मैंने बताया उसे कंफर्म कर लीजिए कि क्या सच में रेलवे आ रही है या फिर नहीं आ रही। और एक बात, ये जो यहाँ पे अपडेट होता है ना अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे, जो अपडेट होता है अप्रेंटिसशिप मेला आपके जो ऑफिशियल साइट पे अपडेट होता है रेलवे का, उसके चक्कर में आप बिल्कुल भी मत रहिएगा, ठीक है। वो जो यहाँ पे जानकारी दिया जाता है वो जरूरी नहीं कि आपको 100% वो सही रहे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि सोचिए RCF का भी अपडेट दिया गया था, पर वहाँ पे RCF में आप पार्टिसिपेट ही नहीं की, सोच लीजिए पार्टिसिपेट ही नहीं की। अब सोचिए जो इस लिस्ट को देखकर वहां पे गए होंगे तो उनका आना जाना समय सारा कुछ बर्बाद हो गया, आना जाना रहने खाने पैसा सारा बर्बाद हो गया आपका। जो अगर मान लीजिए नहीं आ रहा तो डिपार्टमेंट को क्या जरूरत है यहाँ पे अपडेट करने का, जब अप्रेंटिसशिप मेला में रेलवे पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, और अपडेट किया और उसके बाद आज ही के डेट में 12 बजे से पहले यहाँ से डेटा रिमूव कर लिया गया, ठीक है। तो इस तरह का अपडेट आपको मिलते रहता है, इसीलिए आपको यहाँ पे सूझबूझ कर अपना जो भी आगे का कदम हो लेना है कि आपको जाना है या फिर नहीं जाना। अगर जाना है तो आपको सोच समझकर कंफर्मेशन के साथ ही जाना है, नहीं तो आपको अपना खुद का क्षति यहाँ पे होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी यही सब जानकारी आज आपके साथ डील करना था। बाकी जो भी लेटेस्ट रेलवे का अपडेट आते रहेगा अपडेट आपको प्रोवाइड होगा। NWR का आ गया है, इक्वल लेटर आ गया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, profitus.in ऑफिशियल साइट पर चले जाइए और अपना इक्वल लेटर जो है फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। सितंबर से आपका DB यहाँ पे शुरू हो रहा, हर ट्रेड का अलग अलग डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रखा गया है। चलिए चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। हर सभी छात्र तक, सभी ग्रुप में इस वीडियो को जरूर जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो सभी भी अगर अप्रेंटिसशिप मेला में पार्टिसिपेट करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार वीडियो जरूर देख ले, उसके बाद ये निर्णय ले कि उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।